गोंदिया नगर परिषद हमेशा से ही विभिन्न कारणों से चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन आज ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या गोंदिया नगर परिषद प्रशासन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इसका कारण ये भी है कि गोंदिया नगर परिषद के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रिसाव हो रहा है और कई जगहों पर ऐसा हुआ है और ये भी इमारतें खतरनाक है क्योंकि स्लैब गिर रहे हैं। लेकिन ये खास रिपोर्ट बताती है कि नगर परिषद प्रशासन इस बात को नजरअंदाज कर रहा है। गोंदिया शहर में बड़ी संख्या में स्कूल, कॉन्वेंट, कॉलेज है, लेकिन आम लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नगर निगम के स्कूल में भेजते हैं। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि इन छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में है। गोंदिया शहर में 20 नगर पालिका स्कूल है, लेकिन वर्तमान समय में सोचे तो इन 20 स्कूलों में से 15 प्राथमिक स्कूल है और 5 माध्यमिक स्कूल है। ऐसे में 20 स्कूल शहर में नगर पालिका परिषद प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल की इमारतें काफी जर्जर है और छात्रों को यहाँ जान जोखिम में डालकर शिक्षा हासिल करनी पड़ती है। चूंकि अभी भी बारिश के दिन चल रहे हैं, ऐसे में इस बिल्डिंग में छात्रों के शरीर पर टपकती बारिश की तस्वीर देखने को मिलती है। कई जगहों पर देखा गया है कि पानी एक ही तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिर रहा है, इसलिए नगर परिषद प्रशासन इस स्कूल में बच्चों की जान खतरे में पड़े या कोई हादसा होने का इंतजार नहीं कर रहा है। अब सवाल खड़ा हो गया है, गोंदिया शहर में स्थित रामनगर मनोहर म्युनिसिपल स्कूल का निर्माण 1965 में हुआ था। आज ये भवन लगभग 58 वर्ष पुराना हो चुका है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नगर पालिका प्रशासन नए भवन निर्माण में लापरवाही बरत रहा है। भवन की हालत बेहद खस्ता है और अब नागरिक व विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं कि भविष्य में किसी बड़े हादसे में विद्यार्थियों व शिक्षकों की जान जाने के बाद क्या नगर परिषद प्रशासन जागेगा और इस भवन की मरम्मत पर ध्यान देगा। इस विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और स्लैब गिर रहा है। जैसे जैसे मानसून का मौसम चल रहा है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि बारिश का पानी छात्रों की कक्षाओं में गिर रहा है। क्योंकि कक्षाओं में बिजली के तार भी खुले हैं, इसलिए किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रों और शिक्षक मांग कर रहे हैं कि नगर परिषद इस ओर ध्यान दे और स्कूलों की मरम्मत कराए। स्कूल ये 1965 से बनी हुई है और लगातार निरंतर अब इसकी बिल्डिंग की ऐसी स्थिति हो गई कि अब ये नई बनाने की आवश्यकता हो गई है। बहुत बार हमने सीओ साहब से भी इस बात के बारे में जिक्र किया कि भाई बिल्डिंग नई बनना चाहिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब किसी भी ऐसे राजनीतिक कुछ कारण है जिसकी वजह से बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। लोगों की समस्याएं हैं, बच्चों की संख्याएं भी हम लोगों को इसीलिए एडमिशन के लिए भी हमको प्रॉब्लम जाता है स्कूल में, जैसे कि एडमिशन की प्रॉब्लम आने वाले समय में आ ही रही है। हम लोगों को बच्चे लाने के बाद भी हमारे स्कूलों की बिल्डिंग और क्लासरूम देख के पेरेंट्स लोग थोड़ा सा एडमिशन देने में आगे पीछे संकोच करते हैं और हम भी उनको पढ़ाई के विषय में, तो रिजल्ट हमारा इस साल सबसे अच्छा नगर परिषद में 95% हमारा ही लगा है, सबसे हाईएस्ट। लेकिन ये है कि भाई स्कूल की व्यवस्था और उसके अनुरूप लोगों को आज के आधुनिक स्कूल के जैसा वातावरण नहीं मिल पाता और यही शिकायत है कि स्कूल की बिल्डिंग यदि बन जाती है तो निश्चित है सभी शिक्षक मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि बिल्डिंग के अभाव में हम लोग अपना पूरा एफर्ट नहीं दिखा पाते बिल्डिंग के लिए। मैं शासन प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द हमारी इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर दे ताकि हम लोग नए जोश और उसके साथ अपना आगे स्कूल को अच्छे से रन कर पाए। स्कूल में पानी गिरता है हमारे सर के ऊपर, कभी कॉपी वगैरह में पानी गिरते रहता है या कि फोपड़े वगैरह नीचे गिरते रहते हैं, कभी ऐसा डर लग जाता है कि आंख पे ना गिर जाए, इसलिए हमें सरकार से यह सर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये दरवर्षी अशी स्थिती असते आणि कसं झालं मागच्या वेळेस आमचे मॅडम बसल्या होत्या स्टॉपमध्ये, त्यांच्या अंगावर म्हणजे ते पोपडा पडला थोडा बाजूला, त्यांना लागला इथून समजा, परंतु आणि आम्हाला त्यांना ट्रीटमेंट द्यावी लागली त्याच वेळेस लगेच, त्या घाबरून गेल्या होत्या एकदम की काय झालं म्हणून, आणि सर्व आम्ही मग वर्गाच्या बाहेर म्हणजे त्या रूमच्या बाहेर निघालो आणि त्याच्यानंतर मग त्यांची ट्रीटमेंटसाठी आम्ही दवाखान्यात घेऊन गेलो। सर दरवर्षीची स्थिती आहे आणि आम्ही यासाठी वेळोवेळी नगर परिषदला आम्ही म्हणजे आम्ही मुख्याध्यापकाकडून हे दिलं जाते, निवेदन दिले जाते, प्रस्ताव पाठवला जातो आणि आम्हाला तसं म्हणजे ग्वाही देण्यात आली होती की म्हणजे 7 वर्ग खोल्या तुम्हाला बांधून देण्यात येतील म्हणून, परंतु अजूनपर्यंत ते थंड बसतात। क्वेश्चन है कि हमारी स्कूल अच्छे से इमारत हमारी सही बनाए
और फोफड़े वगैरह ना गिरे। ये छत से कभी कभी उसके फफड़े निकलते हैं और कभी कभी सर पे पानी गिरता है तो उससे डर लगता है। प्रशासन से हमें मान कि ये शराब को सुधारे, अच्छी स्कूल बनाते हैं। हमारे स्कूल में हम पढ़ने आते लेकिन हमें डर लगता है कि कभी स्लैब ना गिर जाए, स्कूल गिर ना जाए। आमची शाळा वरना पाणी पड़े, पावसाळ्यात पाणी पडते, तिथं काम करायची जरूरत आहे। ते झरझर झाले आहे, लक्ष द्या, आमची शाळा चांगली बनवण्यासाठी प्रयत्न करा। आम्हाला शिक्षण योग्य भेटते, आमची इमारत बरोबर नसल्यामुळे आम्हाला भीती वाटते कधी आमच्यावरच पडून जाईल, परंतु आमचा अभ्यास अभाव म्हणून मी शाळेत येतो। स्कूल इतनी जर्जर हो गई है कि ऐसा लगता है कि हम लोग अगर चल भी रहे हैं तो फिसल के गिर ना जाए, और जहाँ पे भी अगर खड़े रहते हैं तो पानी टपकता है। और स्कूल से कभी हम समय डर लगा रहता है कि कभी हमारे आंख पर पानी ना गिर जाए, और स्लैब का भी डर रहता है कि स्लैब कभी गिर ना जाए। पूरा बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई है, जहाँ जहाँ पर भी जाके देखो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हमारे पूरी इमारत गिर जाएगी। प्रशासन ने हमारे स्कूल को नई मैंने उसको रेनोवेट करना चाहिए, नई स्कूल बना कर देना चाहिए। प्रशासन ने हमारे स्कूल की तरफ ध्यान देना चाहिए। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।